हेलो 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 अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है सॉरी यार सॉरी बच्चों हम लोग भावनाओं में बह गए एक्चुअली मैं देखो कितना घबराया हुआ हूँ मैं इतना घबराया हुआ हूँ इंग्लिश के क्विज को जीतने के सॉरी हारने के लिए कि मैं सेल लगाना ही भूल गया यार सॉरी सॉरी अब आवाज़ आ रही होगी <coughs> अब आवाज़ आ रही होगी हेलो 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 अब ठीक है ना सबसे पहले बताओ अब आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है हाँ जल्दी जल्दी बता दो सॉरी यार सॉरी बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा हम पागलों की तरह बोल रहे हैं अब देख लो अब आप खुद ही समझ जाओ कि मैं कितना घबराया मैं आपको बताता हूँ हमने शुरू में क्या बोला सबसे पहले हमने बोला स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे जहां पर टीचर्स आपको को और दिमाग दौर से पढ़ा है फिर मैंने बताया कि आज वाली क्विज रॉकी भाई साइंस वाली एस एस टी वाली क्विज में जीत गया साइंस और मैथ्स वाली क्विज में जीत गया लेकिन आज मैं हार जाऊंगा बच्चों क्योंकि इंग्लिश में मेरा आज बहुत ज्यादा तंग है मैम आप भी एक बार बता दो बच्चों को सर ने एक चीज और भी बताई थी कि सर ने इंग्लिश पढ़ा रखी हाँ। हाँ, तो मुझे डर लग रहा है कि सर पक्का जीतने वाले हैं और वो म्यूट हो गया भाई नहीं मैम एक्चुअली मैं मुझे सच में भोली चैप्टर के अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं और भोली भी मुझे सिर्फ इतना याद है मैंने बच्चों से बात भी की थी कि वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं उनका एग्जाम्पल देता रहता हूँ वो लड़की ने कमाल कर दिया था मतलब उस बुड्ढे के मुंह पे बोला था जाके कि जा दफा हो होता मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगी लेकिन जैसे शादी नहीं करूंगी और वो डिसीजन एक्चुअली <laughs> बहुत बोल्ड डिसीजन था जो मैं बार बार एग्जाम्पल था इसलिए मुझे याद है पहला क्वेश्चन ही भोली चैप्टर से लेकर oh चलो <laughs> ठीक है अच्छा बच्चो सबसे पहली बात प्रोसेस वही होगा यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है तुम्हारा रॉकी भाई कभी चीटिंग नहीं करता तुम्हें पता ही है और मैं ऐसे खड़ा रहूंगा मैम कुछ सवाल पूछेंगी लेकिन क्या रोहित सर पोल पे है हाँ बिल्कुल पोल पे है तो रोहित सर यहाँ पे पोल लगाते रहेंगे और आपको पोल पे आंसर देते रहना है अगेन क्विज अलग है हंसी मदा, हंसी अलग तरफ है लेकिन आप सबको आंसर देने हैं टाइम पे और मेरी हेल्प जरूर करनी है बच्चों आज मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है चलिए मैम शुरू करते हैं ओके सर सर पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी सिबलिंग्स सिबलिंग बोली है सर को बोली बहुत पसंद है तब भाई बहन भी पता ही होंगे ना सर को मैम मैंने कहा था मुझे इतना डिटेल में याद नहीं है भोली के कितने भाई बहन है हाँ अच्छा अच्छा ये तो पक्का है कि भाई भी थे बहन भी थी हाँ। क्योंकि उनके साथ थोड़ा भेदभाव सा हो रहा था भाइयों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था सही कह रहा हूँ कुछ हाँ जी, मैं हाँ जी। और बहने भोली सबसे छोटी बहन थी हाँ उससे पहले एक की शादी हो गई थी एक की तय हो गई थी एक की होने वाली थी सर, सर, आपको सही कह रहा हूं मैं अच्छा तो चार तो बहनें हो गई मैम क्वेश्चन चेंज हो गया क्या

ठीक है, yeah, <laughs> है, आंसर और और 1500 बच्चे लाइव बैठे हैं जरा लाइक देख लो आप कितने गलत बात मत क्या करो जल्दी जल्दी लाइक दबाओ मेरे लिए लाइक दबा दो देखो मुझे भोली के भाई बहन तक याद है बच्चों इसी के लिए लाइक कर दो चलो मैम अगला सवाल अच्छा

घर पे रहने जाता है शायद घर होता है होटल होता है पता इन, नहीं मुझे इन, इन।, इन, होता। इन होता है अच्छा इन इन और होटल में फर्क क्या मैम सर इन मतलब कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे घर पे लोग पीजीस नहीं खोल लेते ओके अच्छा इट इज़ अ काइंड ऑफ दैट और वो कोल्ड एरियाज में होता है विलेजेस में जनरल मिसेस हॉल बहुत लालची किस्म की औरत थी ऐसा कुछ याद आ रहा है हाँ जी सर 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 जीतने वाले रहने दो सर, सब तो आता है आपको मैम ग्रामर में मुझे कुछ नहीं आता लिटरेचर में शायद थोड़ा बहुत आता होगा घर में जाके चोरी करने जा रहा होता है हा न तो ओके मेरे को याद नहीं मैम ये तो कम आ रहा हूँ मैं क्लर्गी मैन शायद वो जिसके घर में चोरी होती है हां जी सर। और वही शायद इसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर बोलेगा अरे सर ने गाए? गाए? सर ने ऑर्डिनरी अफेयर इंग्लिश के साथ कर दिया मतलब साइंस <laughs> सही है के ओ मैम ये आंसर है क्या मैम सर हां सर इज द करेक्ट आंसर बच्चों दो आंसर हमने सही दे दिया बच्चों दो और, और सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर्स सर ने इंग्लिश के साथ कर रखा है साइंस को धोखा दे रहे हैं मैम लेकिन बच्चों ने सीख भी देखा जरा समझाओ ये कंफ्यूज कहाँ हुए हैं बच्चे मिसेस <laughs> हॉल पर वो रहता था उसके पास पैसे खत्म हो गए थे तो वो चोरी करने के लिए बाहर गया था और चर्च के जो फादर हैं उन्ही को क्लर्गी मैन कहते हैं ठीक है उन्ही के घर वो चोरी करने गया था तो उनकी वाइफ को आवाज आई थी तो वो नीचे आए थे है ना उन्होंने खोल के देखा था पैसे नहीं थे हाँ। और साथ ही साथ वो भी नहीं दिख रहा था क्योंकि वो तो गायब हो गया, हो गया था तो बच्चों एक बात और समझना ये बात बड़ी अच्छी इस क्वेश्चन से हम समझते हैं कि हमें छोटे हमें एनसीआर पढ़नी चाहिए हाँ जी सर क्योंकि एक छोटे छोटे फ्रेज से भी आपको एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है आप यहाँ देख सकते हो तो इसीलिए आपको एनसीआर भी वर्ड टू वर्ड पढ़नी है सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने से काम नहीं चलने वाला जी सर हमेशा क्लास में कहा जाता है कि रीडिंग जरूर करो चैप्टर की और मैम एक बार यहाँ पे बच्चों ने फोर्टी सिक्स परसेंट बच्चों ने वाला आंसर दिया कहा गया सी तो वो शायद कंफ्यूज हो गए क्योंकि वो उनके यहाँ पे रह रहा था, था। लेकिन पैसे नहीं दे तो उनके घर गया था ना चोरी करने बच्चों मेरी हेल्प करते रहना प्लीज और सत्रह सौ बच्चे बैठे हजार लाइक है गलत बात मत करो जल्दी कर दो चलो सर थर्ड ओके व्हाट डू यू मीन बाय ओके एन एग्जैजेड रिएक्शन है। normal reaction, no reaction, या ये थोड़ा सा वो का है। है। हाँ जी। है। है। ठीक ठीक जी। जी। और से ही से ये वर्ड लिया गया so that is why की पढ़ने जरूरी जरूरी हाँ मैं हमारे ना फिजिक्स में एक हेस्टेर लूप होता है हाँ जी। उसका मतलब ये होता है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कुछ और आएगा हाँ जी लेकिन आता वो कुछ और है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन तो ये नहीं होगा अगर नॉर्मल रिएक्शन होता तो फिर नॉर्मल आंसर दे देते <laughs> मैं तो, मैं थोड़ा मैं अपना फिजिक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ नाइस सर तो नहीं सर वहां पे क्या होता है बच्चों ट्वेल्थ का टॉपिक है उस ग्राफ में हमें एक्सपेक्टेड होता है कि सब इंक्रीज होगा जीत गए <laughs> एक ये चलो ये आपने बोला ये नहीं है ये मैंने काट दिया ये नहीं है और अच्छा अच्छा पर इसका मतलब नो no रिएक्शन भी तो हो सकता है वैसे एक सेकेंड मैडम और मैं हमेशा ऐसे वाले ऑप्शन से तो दूरी भागता हूं मुझे ये नहीं अच्छे लगते अच्छा। दे तो 50 हो गया। हाँ तो नो no रिएक्शन और ये तो मैं वर्ड भी नहीं बोला जा रहा एक्ट ओ गॉड ठीक है मैम <laughs> तो मैं सच बोलू तो मैं तुक्का मार रहा हूं इसमें और मेरा तुक्का जाएगा ए पे सर ने तुक्का बिल्कुल सही <laughs> मारा और क्या बच्चों सर सर भगवान है मैं कह रही हूँ मैं आपको कसम से बताता हूं मैं आपको ना पीपीटी कोड मैम इनको एक बार मैं दिखा देता हूँ मैम आपको भी मैं दिखा देता हूँ हूं <laughs> मैम ने मुझे क्लास से पहले पीपीटी भेजी थी और मैंने मैडम को ऑडियो भेजा था मैडम आपका नाम कहां गया और मैंने मैडम को ऑडियो भेजा था मैम देखो मैंने डाउनलोड भी नहीं किया हाँ जी और सर ने ये कहा था कि मैं पीपीटी नहीं देखूंगा बच्चों ये देखो पता नहीं आपको... अच्छा मैम का नंबर ना दिख जाए सॉरी मैं नंबर छुपाता तो हूँ यहाँ पे देखो ये पीपीटी मैंने डाउनलोड पी -पी नहीं ये पीपीटी मैंने डाउनलोड नहीं किया बच्चों तो ये ईमानदारी से आंसर चल रहे हैं कहा जाऊ मैं और इसी के साथ मैम दो हजार बच्चे हो गए लेकिन लाइक नहीं कर रहे बच्चों तुम तुम्हारे तुम भाई ने रॉकी भाई ने तीन आंसर सही दिए क्या कर रहे हो सर पानी पानी हो गई मैं मैम <laughs> नहीं।, <laughs> नहीं आगे जा ये ये तो लाउड लाफ चेंज थिंग अच्छा मतलब की बहुत ज्यादा लाउड लाफ तो जोर जोर इसे एल ओ एल बोल देते हैं अच्छा ठीक है ठीक है अब सर चलें, अब सर मेरे को डर लग रहा है थ्री <laughs> थ्री 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 अच्छा, कौन सी उम्र में भोली ने बोलना शुरू किया था मैम पोल लग गया बच्चे पोल पे आंसर दे रहे रोहित सर पोल लगा दीजिए भोली ने कौन सी उम्र में ने बोलना शुरू किया था एक साल में सॉरी दो साल में पांच साल में चार साल में एक साल में अच्छा पक्का नहीं दे रही सर, बच्चे कह रहे हिंट दे रहे। आप हिंट मत दो अच्छा। हिसाब से, से भोली ने कौन सी उम्र में बोलना शुरू किया था अगर मैं ऐसे मैम देखो मैं बोलूं तो भोली आ, आ, अगर उसने एक साल में बोलना शुरू कर दिया था वो तो नॉर्मल चाइल्ड हो जाती एक साल में तो नहीं बोला होगा काट दो ये और मुझे ऐसा लग रहा है दो क्योंकि मेरा लड़का भी दो साल में नहीं बोला था और वो तो बोला है नहीं तो दो साल भी नहीं हो सकता आंसर सर बेटा आया, और आ, आंसर देते हुए अब, अब ये तो इतने करीब है कि मैं इसका आंसर ही मार पाऊंगा बी और सी में तो मार पाऊंगा चार साल में नॉर्मल बच्चा तो अच्छे से बोल लेता है अच्छा लेकिन भोली तो मैम पोल पे आंसर आ गए लेकिन भोली बच्चों क्या कहते हो मैं ऐसे खेलता हूं भोली बी एच ओ एल आई मैं बी बोलता हूं मैं <laughs> सही है सर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है सर एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं भूले मैं कह रही दू सर हराने आए ने एक ये रखी है कि मैं दिखा दू मुझे इंग्लिश भी आती है नहीं, 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 नहीं। ऐसा कुछ नहीं बच्चों थोड़ी बहुत आती है ज्यादा नहीं लेकिन अभी देखो ग्रामर आने दो अभी ग्रामर आने दो अभी देखना क्या होगा लेकिन मैं अच्छा बच्चों यानी भोली पांच साल मैम ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जी सर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आता है जैसे टू मार्क्स का क्वेश्चन हो गया उसमें ये लाइन लिखनी जरूरी होती है तो बच्चे

हारने के लिए मैं एक क्वेश्चन और सर के आगे लाती हूँ फिफ्थ क्वेश्चन When did Richard find the cause of viral disease common among caterpillars? अब देखिए साइंस बेस्ड है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट ये अंकल रिचर्ड ई जी हैं हाँ जी बेटा रिचर्ड ई जी के मैं वैसे भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि mm -hmm. ये उन बहुत कम साइंटिस्ट में से एक हैं जिन्होंने बहुत कम एज में अपने जीवन में बहुत कुछ उखाड़ा था आप मुझे बताओ जब हम लोग सिक्स से सेवंथ में थे बेटा हम लोगों ने क्या ही किया हम लोगों ने जब मैं सिक्स सेवन में था मैं सच बता रहा हूँ मैं घर में ऐसे कच्चे बनियान में घूमता रहता था और इन्होंने जहां तक मैं सही कह रहा हूं, अपने बेसमेंट में लैब वैब बना दी थी कोई जहाँ पर वो कैटरपिलर्स कैटेपिल्लाई टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई रोमारीशेज उन्होंने कलेक्ट कर ली थी भाई सबसे पहले तो रिचर्ड ई ब्राइट ओपी लिख दो मैं कमेंट पढ़ नहीं सकता हूँ लेकिन रिचर्ड ई ब्राइट ओपी मुझे कमेंट सेक्शन पे रिचर्ड ई ब्राइट जी आगे जी लगा देना ओपी क्योंकि ये महान आदमी थे इसका आंसर मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं तुक्का मारूंगा कि उन्होंने कब वायरल वायरल डिजीज कॉमन है ये कब ये मुझे नहीं पता है मेरा लकी नंबर वाला सेवन है हाँ। मैम मेरे लकी नंबर वाला सेवन है सर, अच्छा। <laughs> नहीं मैं भी आंसर मार्क नहीं कर रहा हूँ अच्छा, हाँ लेकिन मुझे लगता है कि वो आदमी एक प्रकार से प्रोडिजी था ओपी था बंदा तो शायद सी तो आंसर नहीं होगा और मैंने आपको पता है कि मैं मैम ने बहुत जल्दी काटा तो मतलब सी भी हो सकता है क्या आंसर अच्छा ठीक <laughs> है ठीक <laughs> है तो बच्चों यहाँ मैं तुक्का मारूंगा मुझे सेवंथ एट्थ ऑफिस से बात है ये तो बहुत करीब आंसर मुझे मतलब मेरा लकी नंबर सेवन है क्योंकि मेरा बर्थडे सेवंथ को आता है तो मैं सेवंथ आंसर दूंगा मैम आज सर का लकी अनलकी हो गया आज मैं जीत गई थैंक यू क्या आंसर है मैम सर बी एट्थ ग्रेड में ओहो अच्छा

चलो कुछ तो जीती मैं कुछ तो जीती <laughs> मैं रहा ऐसे सवाल है, है। भी क्वेश्चन इसी से <laughs> तो मैम हाँ सर तभी तो ये तो साइंस है मैम लेकिन एक बात सुनो मैंने अभी अभी पीछे देखा था पच्चीस सौ बच्चे हमारे लाइफ थे लेकिन मैम लाइक नहीं आ रहे मैं इसका आंसर नहीं दे रहा मैम सर मत दो मैं इसका आंसर मैं इसके ऊपर साइंस समझाऊंगा बहुत बढ़िया वाले क्योंकि मेरे को ये बायोलॉजी में भी इसका रीजन पता है इसके बहुत अच्छा मैम देखो क्या होता था आपको पता होगा शायद कि हमारे साइंस में एक टॉपिक होता है रिप्रोडक्शन नाम का उसमें क्या होता है कि या तो मेल या तो फीमेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अब जैसे कि बहुत कम बच्चे शायद ये जानते हो कि जो मेल पिकॉक होता है उसके जो फेदर uh, होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं क्योंकि वो फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहता है तो ऐसे ही

हार्मोन क्रिएट करता है ये तो मैं साइंटिफिकली जानता हूँ और शायद मुझे पता आंसर सही भी है आंसर सही है हाँ बहुत बढ़िया मैम <laughs> फाइव अच्छा क्या इसका आंसर बच्चों ने कमेंट सेक्शन पे दिया था एटी टू परसेंट कमॉन यार सही देंगे ना नहीं 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 ये हमारी नाइन टेंथ की साइंस नहीं है ओके okay. ये शायद सेवेंथ एट्थ में हमने पढ़ा था साइंस में और वो मैंने पढ़ा पा नहीं। अच्छा, मैंने पढ़ा था अच्छा हाँ लेकिन

वो बहुत बहुत जल्दी शिकार भी बनते हैं क्योंकि वो बहुत आसानी से उड़ नहीं पाते हैं चलो अगले सवाल पे चलते हैं मैम सेवेंथ क्वेश्चन विच बटरफ्लाई आर नॉट ईटन बाय बर्ड्स विच रॉय मोनार्क ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव सेवेंथ क्वेश्चन विच बटरफ्लाइज वर नॉट ईटन बाय बर्ड्स कौन टाइप अच्छा. की, की जो बटरफ्लाई होती है जिसे हम ये कह सकते हैं बर्ड्स खाना प्रेफर नहीं करती हैं सेवेंथ अच्छा हाँ जी अच्छा जी हाँ जी अब थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है चलो कुछ तो अच्छा, अच्छा। <laughs> मैम पोल लग गया क्या हाँ जी पोल लग गया सर रोहित सर पोल लगाते रहो टाइम पे अच्छा मैम कौन सी बटरफ्लाई बर्ड्स खाना पसंद नहीं करते हाँ, हैं है। उन्हें टेस्ट में अच्छी नहीं लगती हैं आप बर्ड्स बटरफ्लाई को खाती हैं हाँ, लेकिन कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो ऐसी बटरफ्लाई को नहीं खाएंगी उनको टेस्ट अच्छा है। अच्छा मैम एक बात बताओ जहां तक मुझे याद है कि आंसर मत देखना सर नहीं 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 पोल में आंसर दे चुके अच्छा दे चुके हैं कितने परसेंट सर 55 oh my God. 50 50 पे चल रहे हैं मैम तक मुझे याद आ रहा है कि मोनार्क बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता था लेकिन शायद शायद ये वाले उनकी कॉपी करते थे ऐसा हाँ करने के लिए कि वो उन्हें ना खा पाए अभी मुझे पता था सर मुझे हराने वाले हैं। नहीं। नहीं।, नहीं, नहीं, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया ना क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई को बर्ड्स नहीं खाती हाँ जी। लेकिन शायद ये वाली जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को कॉपी करती थी हाँ जी तो फिर दोनों ही हो गए आंसर लेकिन लेकिन वो कॉपी करती थी अच्छा अच्छा लेकिन उन्हें खाना कौन से पसंद नहीं है तो फिर तो शायद ये आंसर है तासर के लिए मैं है। तो मैं सिर्फ कैमरे की तरफ देखूंगी आ... सर के और देखूंगी नहीं हाँ मैं... मैम मैं बहुत बोलिए मैम मुझे <laughs> वरना तो मैं सच बताऊं मैं सी आंसर करने वाला था क्योंकि मेरे को लगा था वो इनको कॉपी अच्छा ये बात सही की इन्हें कॉपी करती है तो मैम मैं सी आंसर करने वाला था आप मुझे हिंट दे रहे हो मैम मैं कितनी भोली है कॉपी कौन कर ये नहीं था ना आप oh बच्चों हाँ देखो बच्चे भी कह रहे मैम कुछ मत बोलो इस आदमी को हिंट मत दो हाँ <laughs> है सिक्स वन हो चुका है सिक्स वन मैं अपने आप को हरा It. what is the meaning of the word wheezily making a sound that you can't breathe easily sneezing coughing d none of the above wheezily making sound when you can't breathe easily नहीं देखती सर <laughs> अच्छा ठीक है sneezing यानी कि छींक मारना coughing यानी कि खांसना खासते वक्त तो ऐसी आवाज नहीं आती है अच्छा मीनिंग है सॉरी ओके ठीक okay, है छींक मारना छीक मारने में कई लोग बहुत से मारते हैं और कई लोग बड़ी जबरदस्त <laughs> देखा पता नहीं चलता हाँ, करें। हाँ ये क्या लॉजिक है यार बच्चों कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्या लॉजिक है यार कई लोग छींक मारते हैं और भाई साहब पूरा कमरा हिला देते हैं और कई लोग बहुत धीरे धीरे मारते हैं यार तो मुझे लग रहा है मैडम तो कई है वैसे यहाँ पे अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है। तो है। तो, तो अच्छा, अच्छा, मैम पोल पे कितना oh मतलब तो तो क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा ना फील आ रहा है ये विजली थोड़ा ऐसे मतलब प्यारी प्यारी साउंड होगी और जब इसकी नाक बंद हो तो शायद ऐसे आवाज निकले तो मैम ए मैं तो कम आ रहा हूँ मैंने नहीं देखा था तो फिर भी सही बोला मैं सही बोला बच्चों तो क्या है ये तो क्या नहीं कह रही हूँ सर इंग्लिश भी पढ़ा देंगे <laughs> नहीं 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 मेरी नौकरी खतरे में है मेरी नौकरी करते हैं मैं भी चैप्टर कौन सा बच्चे पूछ सर इट इज अ वोकैब क्वेश्चन ओके okay, अच्छा अच्छा ओके okay. बच्चों ने मेरे साथ आंसर दिया वेरी गुड बच्चों और यहीं पे अरे भाई, भाई मैम नौकरी चली जाएगी देती हैं अच्छा बच्चो एक बात अच्छा बच्चो एक बात बताओ कि जैसे मैं तो हो गया रॉकी भाई हाँ. मैडम को कौन सा करेक्टर दे रहे हो तुम आज मैडम को एक करेक्टर देते हैं कमेंट सेक्शन पे कोई करेक्टर दो आज मैडम को इसी पिक्चर से देना पैसे इस पिक्चर में मैम कोई फीमेल भी थी कौन सी पिक्चर में मैम के जी एफ सर दे दे देखिए मैं मूवीज नहीं देखती मैम 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 बच्चे कर सकते हैं तो देखना ही है मैम अब देख लूंगी सर लेकिन मैं मूवीज वगैरह नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ ना सीरीज ना मूवीज कुछ भी नहीं देखती मैडम को नाम दे तो भोली ये नाम तो अच्छा है पूछ रहा हूँ के जी एफ से वांडा ये कौन है जाकर देखनी पड़ेगी अगर इन्होंने उसमें से नाम दे दिया तो मैं बच्चे कह रहे वांडा अच्छा वांडा पेंट्रॉ पेंट्रॉन पेंट्रो ऐसे को नाम है लड़की का आपके में चैप्टर नहीं है कोई वांडा नाम से वो दी हंड्रेड ड्रेसेस में था अच्छा अच्छा वांडा पेंट्रॉन एक्चुअली वो डिलीटेड है चैप्टर वो अच्छा, अच्छा 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 सिलेबस में नहीं है मैम रमी का सेन कह रहे हैं आपको

Who is Who is ये किसी का नाम है ना सीक्रेट एजेंट बच्चो क्वेश्चन है पर्सनल इन्वेस्टिगेटर था, एक secret agent था, spy था, personal investigator था राइटर था ओके 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 अच्छा मुझे याद आ रहा है वो बंदा जो बालकनी में से कूद गया था अच्छा ठीक बता रही आप खुद देखो सर मैं नहीं देख रही मैं तो नीचे में थी थी। सीक्रेट एजेंट और स्पाई, अच्छा दोनों अलग अलग हैं कह रही है और कुछ नहीं बोला मैम ने कह रही है बच्चो अब मैम बोली नहीं रही हैं बच्चों मैम <laughs> पोल जैसे बोली ने बुडे की बोला था मैडम मुंह पे मना किया कि हम्म खुद पता लगा लो मैम पोल लग गया ट एजेंट करेंगे फिर तुम्हारे पॉल का आंसर मुझे बता देंगे इसलिए नहीं सीक्रेट एजेंट मैम मुझे ये तो याद आ रहा है कि ये एक, एक चैप्टर था हमारी अंग्रेजी में जिसमें वो डिटेक्टिव होता है बड़ा होशियार बंदा होता है मैं और चैप्टर का नाम भी नहीं बताऊंगी आप में अपने आप बताओ आए, मुझे तो याद आ गया मुझे याद आ गया मिड नाइट विजिटर हाँ ये ठीक है ठीक है चलो ठीक है तो वहाँ पे वो एक सीक्रेट एजेंट तो था लेकिन ये पर्स ये मुझे पहले तीनों आंसर सेम क्यों लग रहे हैं सीक्रेट एजेंट स्पाई पर्सनल इन्वेस्टिगेटर मैं फिर भी जा ओके मैं मुझे याद आ गया मुझे याद आ गया था तो क्यों उसमें एक बंदे ने बोला था कि हमारे जासूस तो ऐसे होते थे जो छुपे रहते थे ब्लैक रंग की टोपी पहनते थे लेकिन ये तो बहुत मोटा सा है मैम फिर तो स्पाइप के मैं सर, स्कोर ठीक कर लो थोड़ा सा गलत गलत है <laughs> गलत है था वो। क्या बात कर रहे बच्चों इतना गलत इतना ज्यादा गलत चलो भाई मेरे मेरे आगे नंबर अब तो मैम लेकिन ठीक कर दो सर मैम मैम क्या था पीछे वाला स्कोर सात एक था सात दो मैम आपने एक बात नोटिस की आपने मुझे कोई हिंट नहीं दिया अगर आप मुझे हिंट देते ना पहुंच जाता आंसर तक शायद इसलिए तो मैंने कहा मैम ये वाला चैप्टर नहीं है यही है चैप्टर तो यही है बट वो राइटर है इसमें अच्छा वो कोई और था हाँ जी नाम था क्या उसका मैम अभी एकदम याद आया मेरे को अच्छी बात अभी है याद आया वरना मैंने हारना ही था फिर इसी के साथ तीन बच्चे हो गए लेकिन बच्चों क्या बात करो तीन हजार बच्चे दो हजार लाइक यार फटाफट से लाइक कर दो यार भाई अब अब हम देखो थोड़ा मैम आपका नाम देते बच्चों ने रिमी सेन पता नहीं सर रिमी सेन मैडम आगे आती जा रही है बच्चों चलो मैम अगला सवाल लाग लाग पोल तैयार किया जाए प्लीज प्लीज, प्लीज। पोल तैयार किया जाए इज द मीनिंग ऑफ वीक फैट इन मैम 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 मैं बताता जाएंगी सुनो मैम मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको कहानी सुनाता मैं आपको सुनाता हूँ मुझे याद है बच्चों मैं एक बार मैम आपको ना मेरी एक बात की दाद पड़ेगी मैं बताता हूँ कैसे ये कहानी ये क्या है एक ना दिलजीत दोसांझ आप जानते हो उनकी एक मूवी आई थी मूवी का नाम मैं भूल गया उसमें उन्होंने गाना गाया था तो हम ना मूवी थिएटर में मूवी देख रहे थे तो नीचे इंग्लिश में सब आ रहे थे मैं वो है तेरे लक के वास्ते बनिया टॉमी दिया जीना नहीं तो उसमें ना वो नीचे पतला वर्ड के वो सिलेंडर बोलता है हाँ। तो सिलेंडर का मतलब होता है ओ माय गॉड दो ऑप्शन है

तेरे पतले लगने के वास्ते बनिया टॉमी दिया जीना नहीं बच्चों सही कह रहा हूं मैं फैट नहीं हो सकता मैडम नन ऑफ दीज मुझे नफरत है मैं मैं बी पे जाऊंगा मैम सर कुमार रहते हैं है इसलिए <laughs> मैं उससे करेक्ट सही है <laughs> मैम क्या बात कर रहे हो सर ने देखो इतना सब कुछ सोचा और उसके बाद सही आंसर दिया आ जाएगा वरना अभी चलाता ना सब के साथ उसमें वर्ड आता है मैम इसलिए कहते हैं देखो ऑब्जर्वेशन कितनी काम आती है जो हम किताब से नहीं सीख सकते ना वो हम बाहर से भी सीख सकते हैं गानों से भी सीख सकते सीख सकते हैं दिलजीत के वो भी क्या कह रहे हैं बच्चे रश्मि रश्मिका मैम पद्मावती मैम मैम अलग अलग नाम दे रहे हैं अभी तक आपको सर एक नाम पे आ ही नहीं सके बच्चों अच्छा शड़ा मूवी शड़ा, 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 शड़ा मूवी थी सॉरी वो सूरमा मूवी नहीं थी मैं सूरमा सोच रहा था सूरमा बहुत प्यारी मूवी है ना हाँ देखिए 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 अब इलेवेंथ क्वेश्चन चलो ही इज always dash his temper identify the correct option to fill in the blanks theek hai abhi aagi hamari grammar he is always, always dash his temper <coughs> Hi. ma'am is is am r is am r हाँ जी सर Is एम R? मैम फोन लग गया Is एम R इसे हमारे बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है बिल्कुल सर सही कह रहा हूँ मैडम इज एम आर प्रेज मैम बिल्कुल सही आप मैम हिंट दे जा रहे हो मुझे बच्चों इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है तो ही इज ऑलवेज लूजिंग एक सेकेंड इज और हैड एक साथ दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ कैसे आ सकती हैं? सोचो सोचो। He is always has been losing. He is always मुझे सुनने में गलत लग रहा है He is always lost. नहीं मैम बी आंसर सही है हाँ सर।, हाँ सर ये बिल्कुल सही है आसान 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 था था ये था। मैं बच्चों, ने इसका भी देना बच्चों क्या कर रहे हो यार इसका आंसर सिक्सटी वन परसेंट बच्चों ने सही दिया बस सर क्योंकि ग्रामर और इंग्लिश की क्लासेस देखते नहीं है टाइम पे हाँ मैम आप एक बार बच्चों को हाँ। बताओ किस टाइम पे लाइव आते हो सर दो बजे से चार बजे तक मैम वैसे तो दो से लेके चार बजे तक लाइव रहती है इस चैनल पे बच्चों इंग्लिश का एग्जाम आपका बहुत करीब आ रहा है दो से चार इंग्लिश की क्लासेस देना शुरू कर दो टाइम से और मैडम को हम जैसे आपके पेपर करीब आएंगे मैम इंग्लिश के बस सत्ताईस को है सत्ताईस से चार पांच दिन पहले छह दिन पहले रात को साढ़े नौ बजे वाला स्लॉट भी मैडम को मिल जाएगा यस yes, सर और क्योंकि फिर हम कुछ दो चार दिन तो ऑफिस इंग्लिश पढ़ोगे तो हम नहीं आएंगे और मैडम के प्रॉपर लेक्चर आपको लेने मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने हर एक लेक्चर लिया तो नब्बे आने से आपके कोई नहीं रोक सकता बच्चों चलो अरे नहीं मैडम कोई ज्यादा तारीफ नहीं तो जेनुअन बात है मैम स्कोर क्या हो गया एट टू चलो नहीं सर नाइन टू हो गया बच्चों नाइन टू बच्चों बट मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग आप स्कूल होता है मैम इनका कुछ बच्चों का स्कूल होता है हाँ तो अभी जिन बच्चों का अभी यार देखो दो चार दिन और जाओगे आप स्कूल उसके बाद नहीं जाओगे नहीं। और हम पूरे हफ्ते में एक या दो क्लास अभी रात को भी मैम के लगवाएंगे साढ़े नौ बजे हमारे वाले टाइम पे और फिर पेपर से एक हफ्ता पहले तो मैडम रात को साढ़े नौ जाएंगी जाएंगे बेटा और आप प्लीज घंटिया वंटियां बजा लिया करो यार कोई क्लास मिस मत करो चलो मैम दोस्त Dash this morning. Come come came had come, had been coming. Did Tintus the? Based question है और ये हमारे एग्जाम में टू मार्क्स का आता है अच्छा हाँ. दो नंबर के दो पार्ट मतलब हाँ अच्छा डिड मैं बच्चों पोल लगा लो postman did did did, did is. डेड डेड sir इतना हिंट दे देते हैं नहीं नहीं। बच्चों डेढ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है मैं नहीं बताऊंगी पर मैं को तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है इसमें से कम <laughs> केम और आगे मैम गलत है ये भाई भाई बच्चों बोली नहीं रही मैडम अब गलत अगर सही बता दे तो सर को सबको लगेगा मैं बताई जा रही हूँ मैं नहीं बताऊंगी कम केम कम ही होती है शायद

हाँ क्या एक बच्चा कह रहा है आर आई पी उनके लिए जिन्होंने आंसर भी दिया चलो 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 ठीक है मैम आगे थोड़ा स्कोर देख ले, सर। चलो सर। वो मैम सॉरी <laughs> नाइन थ्री हो गया मैम चलिए द ट्रेन डैश इन टेन मिनट्स सो हरी फिल इन द्लैंक टेंसेज बेस्ड है सर अच्छा हाँ थर्टीन क्वेश्चन द ट्रेन एक घंटा तो दे, दे देती हूँ सर आपको मैं हाँ. एक हिंट दे देती हूँ प्रेजेंट इनडेफिनेट की वर्ब आएगी यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब आएगी यहाँ पर तो मैं प्रेजेंट इनडेफिनेट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगता है मैम आपने गलत हिंट दिया मेरे को आपने गलत हिंट दिया मैम प्रेजेंट इनडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगता है कब लगता है सर अच्छा मेन के के फर्स्ट फॉर्म साथ एस या e, कब लगता है चलो ये जब जब पर्सन सिंगुलर सिंगुलर हो हो अच्छा अच्छा तो तो के साथ क्या लगाओगे आई 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 एम डू 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 एक्सेप्शनल केस है I I है है मैम जैसे मैं वो बोलता है, तो बोलता यू लव मी चलो ये भी ठीक है आपने मैम डी आंसर है आपको मेरे को हिंट नहीं देना चाहिए था मैडम डी आंसर है मैम डी आंसर है बच्चों ने क्या दिया है 41 परसेंट बच्चों ने डी आंसर दिया है सर ये टेंसेस की वीडियो देखती नहीं है सर अब मैं सर को भी कंप्लेन करती दू देखो मत देखो इंग्लिश की क्लासेस कोई बात नहीं आगे बढ़ते मैम ओके थर्टीन का हो गया हमारा हो गया नाइन टेंथ द ट्रेन लीव्स इन टेन मिनट सो हरी अच्छा ठीक है

फास्टर देन वी डिड ही रन ही री डिड वो हमसे तेज भागता है वो हमसे तेज भागा बाबा, बाबा सर, बाबा। वो हमसे तेज भागेगा <laughs> नहीं ही रन फास्टर देन वी डिड ही रैन फास्टर देन वी डिड अभी आपने मुझे बताया था कि ये डिड है तो ये एक अलग सेंटेंस हो गया मैम रैन होगा मेरे हिसाब से ही रैन फास्टर देन सर पक्का श्योर हो आप सर थोड़ा सोच लो सर आप नहीं मैम 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 हूं हूं बिल्कुल बोल रहे है। पास ये। तो रहे ना बहुत बढ़िया मैम चलिए मैम लिटरेचर कब आएगी मुझे मजा आता था लिटरेचर में अच्छा। float, या युनि, है। है मैम ये पानी पानी तो तो तेल तेल पे ओ, तेल तो पानी पे तैरता। तैरता और उसमें और उसमें कोई वर्ब की फॉर्म में चेंज बच्चा देख लो मुझे कितनी अंग्रेजी आती है बच्चों। सर पोल आगे मैम मैं नहीं देखूंगा पक्का नहीं देखूंगा मैम लगाओ सर जल्दी सेट ये मैम ये मैम इनडायरेक्ट स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच है? है क्या बात कर सर, रहे हो सोचो, सोचो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाँ तो दैट लग गया ना मैम तो क्या होगा सर इनवर्टेड कॉमा लगता है डायरेक्ट डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट है मैडम क्या मजाक कर रहे हो आप अरे सर ये डायरेक्ट है नहीं 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 इनडायरेक्ट है और इनडायरेक्ट में बच्चों यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई बदलाव देख रहे हो कितनी इंग्लिश हाँ मेरी इनडायरेक्ट में जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं है ते है, है इनडेफिनेट ऑयल फ्लोट्स पर यार ये गलती होगी ना मैम मैम मैं, मैं बी और सी में कंफ्यूज हूं क्योंकि फ्लोट होगा ऑयल के लिए या क्या होगा ऑयल चलो, कोई बात नहीं लेकिन कैमरे की साइड मत नहीं तो देखो सिर्फ इस चीज को देखो बच्चों बी और सी में क्या आंसर होना चाहिए क्योंकि ए और डी तो नहीं होगा फ्लोट्स फ्लोट आएस, आएस फ्लोट्स या फ्लोट मेरे हिसाब से बच्चों होगा, आए, सी होगा मेरे से। क्यों? क्योंकि क्योंकि पहली बात तो यह होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन ऑयल अब सिंगुलर होगा प्लुरल होगा ये नहीं पता मैडम मुझे अगर ये सिंगुलर है तो फ्लोट आ जाएगा प्लूरल है तो फ्लोट आ जाएगा अब सर इनके लिए पार्ट ऑफ स्पीच होगी बच्चों ने तो बच्चों से पूछ लेते हैं तो ऐसे ही मार ऑयल क्या है सिंगुलर है प्लूरल है यही बता दो फटाफट से आंसर में ऑयल पानी पे मैम ता है पानी पे तैरते है नहीं होता तो ता है तो सिंगुलर हो गया सिंगुलर हो गया मैडम मैं हार गई मैं हार गई बच्चों ऑयल भी बिल्कुल वही नाउन है सॉरी वही नाउन है जो आप है बच्चों सिंगल ओ बेटा वैलेंटाइन डे पे तुम्हारी दुखती रख पे हाथ रख दिया मैंने <coughs> मैं मुझे लग रहा है नहीं नहीं मैं ज्यादा हो गया ये मैम ये है बारह बारह तीन थी, ग्यारह तीन है पर मुझे लगता नहीं है कि अब आप जीत पाओगे मैम अच्छा ठीक है ठीक है how did the narrator attempt at being friends with anil hai kya 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 how did the narrator attempt at being friends with anil flattering him teasing him introducing him or none of the above okay okay मैम पोल लग गया है hmm. बच्चों ये आंसर तो मेरे को नहीं लग रहा आ रहा है मुझे

मैम ये वाला चैप्टर है क्या जिसमें वो उस वो शमशान घाट में जाता है वैसे कहानियां सुनाता है रात को बैठ के नहीं सर कोई कोई शमशान घाट नहीं है यहां हरि और अनिल अच्छा मैम मैं, मैं, तो मैं ये वाला चैप्टर है मैम ये वाला चैप्टर है कौन सा चैप्टर है मैम ये वाला मैम ये वाला जिसमें वो रेसलिंग का मैच देखने गए होते है। हाँ। है? अच्छा जिसमें मैम वो वो चोर होता है इनमें से कोई एक हरी या अनिल में से अच्छा सर। है बोलो, बोलो सर। हरी और अनिल में से कोई चोर होता है बच्चों में सही कह रहा हूं मैम पोल लग गया क्या हाँ, पोल लग गया है सर। और आप नहीं हाँ पर, हरी और अनिल में से एक चोर होता है हाँ अब कौन चोर होता है अच्छा हाउ डिड नरेटर अटेम्प्ट एट बींग फ्रेंड विद अनिल तो अगर नरेटर चोर है तो मतलब हैरी चोर है क्योंकि आपने कहा दो लोग हैं बस मैं, मैं समझ गया मैम उसका आंसर मुझे याद आ रहा है कि वो रेसलिंग मैच खेलने गए थे तो वो उसके घर में चोरी करना चाह रहा था तो वो उसके साथ दोस्ती बढ़ाना चाह रहा था दोस्ती ओके और दोस्ती बढ़ाने के लिए तो कोई किसी को चढ़ाएगा क्यों उसकी चमचागिरी ही करेगा ना और चमचागिरी करने का मतलब होता है फ्लैटरिंग लेकिन शायद वो इंट्रोड्यूस भी कर सकता है मैम मैं आंसर ए दूंगा वो उसकी चमचागिरी करना चाह रहा था चमचागिरी ताकि वो उसके घर में उसके साथ दोस्ती बना सके और उसके घर में चोरी कर सके सही कह रहा हूँ सर मैं रो रो के बुरा हाल कर दूं यहाँ पर मैम सही आंसर हाँ जी सर मैम मैम प्रेज कर कर उसकी तारीफ करके जब वो रेसलिंग मैच देख रहा था अच्छा तो उसको तारीफ करके कि तुम्हारी बॉडी वगैरह बहुत अच्छी है एंड ऑल तो मतलब मतलब ये नहीं होता इसका मतलब। प्रेस करके अच्छा प्रेस कर कर से कर। बस आपने ऑप्शन सही किया लेकिन आंसर मेरा गलत, है। आंसर गलत है। आ, लेकिन मैं... मुझे अगर यहाँ पे ना दो और ऑप्शन होते हैं ना तो शायद दे पाता तो होगा नहीं इंट्रोड्यूस करके कैसे वो उसके साथ दोस्त बनाएगा हाँ तो ये तुक्का फिट हो गया बच्चों में

अच्छा बॉय ने अनिल से क्या मांगा नहीं पता मैडम सर सोचो मैम नहीं पता सर सोचो खाने पोल का है सर पोल लगा दो भाई खाने मांगा होगा मैडम और क्या मांगा होगा खाना मांगा था हाँ फ्लैटरिंग का मतलब होता है किसी को प्रेज करना ठीक है अच्छा। किसी की तारीफ करना बच्चे बार बार डाउट पूछ रहे थे यार लव यू बाद में बोल देना पहले आंसर दे दो यार बच्चों इसमें मेरी हेल्प करो प्लीज मुझे नहीं पता पीछे घूम जाऊं? नहीं, नहीं, नहीं मैम खाना मांगा होगा एम्प्लॉयमेंट क्यों मांगेगा वो चोर एम्प्लॉयमेंट भी मांग सकता है मांग सकता है पैसे तो नहीं मांगेगा नहीं। पढ़ाना वाला मुझे ये तो याद आ रहा है कि वो उसने उसको पढ़ाया था नाम वाम लिखना सिखाया था लेकिन आप बताओ सर मैम खाना ही मांगा होगा खाना मांगा होगा मैडम ए आंसर हमने यूट्यूब पे देखा हमने सर्च किया सबसे अच्छा इंग्लिश का टीचर और सबसे ऊपर रुबीना मैडम की वीडियोज आई और हम मैम के पास गए थे मैम ये झूठ मत बोलो आप जो सच है वो सच है हम रुबीना मैम के पास गए थे कि मैम प्लीज हमारे छोटी सी साइंस एंड फन की टीम को साइंस एंड फन की टीम को ज्वाइन कर लो और ये सच है झूठ नहीं है इसमें

उसने ये कहा था कि आप बहुत अच्छा करते हैं तो उसने भी ऑपोजिट वही स्टेटमेंट उसे मारी थी और फिर बातचीत करते करते उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए अच्छा, आगे कॉन्वर्सेशन ठीक है ठीक है ठीक है, है। <coughs> आगे चले सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्लीज व्हाट डू यू मीन द दर्ड ग्रंटिंग सर सोचो वट डू यू मीन बाई दर्ड ग्रंटिंग मैम पता नहीं मेरे को वॉट डू यू मीन बाय दर्ड ग्रंटिंग ये ग्रामर है या लिटरेचर है और कोई नॉर्मल अच्छा पर ये वर्ड लिटरेचर में भी यूज हो सकता है ग्रंटिंग करना एक मीनिंग बच्चों को चाहिए तो बता दो पहले पर... नहीं पर नहीं, नहीं नहीं अभी मैं बताऊं मैं टू मेक अ लो इन आर्टिकुलेट साउंड से समथिंग विच इज क्लियरली ऑडिबल नहीं ये तो नहीं लग रहा शाउटिंग ये हो सकता है नन ऑफ़ these तो मैं ऑप्शन में डालो मत मैं तो नफरत करता हूँ इस पॉइंट से बिल्कुल oh, in, ही डी कर देता हूँ शाउटिंग और मेक अ लो आर्टिकुलेट नॉइस नहीं शाउट मैम ए और सी में कंफ्यूज्ड हूँ मैं ओ सॉरी ग्रंटिंग टू मेक अ लो एंड मैम एन आर्टिकुलेट मतलब सर क्यों बताऊं वही आंसर है क्या नहीं क्यों बताऊं अच्छा मेक अ लो इन आर्टिकुलेट साउंड मैम मैं जाना चाहूंगा ये तो मैं काट रहा हूँ क्लियरली ऑडिबल ग्रंटिंग का मतलब ये तो नहीं हो सकता बच्चों बच्चों भोली करता हूँ फिर से बी एच ओ एल आई भोली ए आंसर इन आर्टिकुलेट का मतलब यही होता सर नॉट टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली

सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड टेंथ तक बिल्कुल याद नहीं टेन तक तो बड़ी होगी हो गया अच्छा चलो ठीक है बच्चों कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मैं रुबेना मैम से साइंस के सवाल पूछू की नहीं हाँ बताओ <laughs> जल्दी बताओ <laughs> क्या उन्होंने पोल किया अनिल अनिल रोहित सर है <laughs> <laughs> अरे यार <laughs> चलो बच्चों बताओ क्या मैं मैम से सवाल पूछूं साइंस के कि नहीं पूछूं मैम बच्चे हाँ कह रहे हैं मैम मैम बच्चे हाँ कह रहे हैं है। <laughs> मैम बच्चे हाँ कह रहे हैं है मैम चलो आप करते हैं सर तब तक मैं फिर साइंस को पूरा पढ़ के आऊंगी वॉट वॉज द मील ही हरी कुक फर्स्ट नाइट डिलीशियस माउथ वॉटरिंग फिंगर लिकिंग ये टेरिबल अभी सर ने एक आंसर दिया था ना इम्प्लॉयमेंट मांगने आया था तो किस लिए मांगने आया था सर आप बताओ ना हिंट मील ही कुस्ट नाइट फर्स्ट नाइट मैम थोड़ा सा थोड़ा रोमांटिक साउंड कर रहा है मैं को बुला नहीं, 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 नहीं। <laughs> इतना भी रोमांटिक साउंड नहीं कर रहा हाउ वॉज दाउ उसने जो रात को मील बनाया वो कैसा था हाँ मैम मुझे याद है अनिल ने वो खाना कुत्ते को खिलाया था मुझे तो याद नहीं है सर बिल्कुल भी मेरे बिल्कुल भी याद नहीं है फिंगर बिल्ली को खिलाया था कुछ खाया था नहीं फिंगर लिखिंग गुड वो ये तो उसकी एड हो गई के की <laughs> या उसकी किसी और की है माउथ वाटरिंग मैम पोल लग गया क्या हाँ जी सर पोल लग गया बताओ तो कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दे दिया सर 75 फाइव परसेंट सेवेंटी हाँ जी सर डिलीशियस माउथ मैम एक सेकंड

देखो मुझे इसका आंसर क्यों पता लग रहा है डी क्योंकि डिलीशियस माउथ वाटरिंग और फिंगर लेकिंग तो सेम ही है आप इस तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं बच्चों मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लिया गया है और मैम टेरिबल का मतलब है कि उसने खाना गंदा बनाया तभी उसने कुत्ते को खिलाया था मैम डी इज दी आंसर सर ने वैसे कहा जो था ना वो बिल्कुल ठीक कहा था दीज आर सिनोनिम्स ओनली है हा ना हां दीज आर सिनोनिम्स हाँ। तो बच्चों आप देखो आप एक बात समझो आप देखो अगर आपको आंसर नहीं पता है ना एमसीक्यू में तो कभी कभार आप करेक्ट आंसर तक ऐसी क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको आंसर ना पता हो तो इसमें अगर आप देखो तो इन तीनों का मतलब एक ही आप मुझे बताओ उनमें फर्क क्या मुंह में पानी आ जाना उंगलियां चाट लेना या बहुत स्वादिष्ट बनना ये तो एक ही बात है तो अल्टीमेटली आंसर डी होगा क्योंकि वही तो अलग आंसर है ना हाँ, हाँ 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 अबे रीमा मैम को नहीं बुला रहे अभी अभी बुला देंगे रीमा वैसे भी मैं हार रहा हूँ ओह सॉरी वैसे भी मैं जीत रहा हूँ रीमा मैम तब आते जब मैं हार रहा होता उनको मेरी हार पसंद है चलो सर ट्वेंटी व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच राइट हिज नेम कुक राइट फुल सेंटेंसेस या ऑल ऑफ दी अबव राइट हिज नेम सर आंसर पोल का अभी मत घूमना चलो आप देख लो अब बच्चे बताएंगे कि आंसर क्या है सर ने तो सीधा ही ए बोल दिया राइट नेम डी पोल कहा है पोल कहा है सी नाम लिखना सिखाया था उसने कहा था कि मैं तेरे को वॉट डिड अनिल प्रोमिस सर प्रोमिस वर्ड पे भूल गए आप ये रहा प्रोमिस उसने क्या क्या वादा किया था कि वो सिखाएगा यार तुम भी गलत बोल रहे हो एक सेकंड। अच्छा जब वो आया था एम्प्लॉयमेंट मांगने के लिए तो उसने कहा था मैं तुझे नाम लिखना भी सिखाऊंगा तुझे खाना बनाना भी सिखाऊंगा तुझे फुल सेंटेंसेस भी लिखना सिखाऊंगा तो डी इज दी करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया तो उसने ये सब सिखाया था वैसे उसको हाँ जी सर कुकिंग सिखा दी थी नाम लिखना सिखा दिया था फिर उसके बाद वो पैसे चुरा कर भागा था लेकिन उसे याद आया था कि फुल सेंटेंसेस वो सिखाएगा तो वो वापस आ गया था बहुत बढ़िया हाँ। और मैम लेकिन 55 परसेंट बच्चों ने आंसर सही दिया हाँ तो शायद वो भी कंफ्यूज एक बार देखता हूँ बाकी बच, कितना परसेंट आंसर बच्चों ने क्या दिया है मैम ए ए 24 परसेंट बच्चों ने दिए ऐसा नहीं है मेरे, ये मेरे भरोसे बैठे हैं और जो मैं आंसर दे रहा हूँ ये वही दिए जा रहे हैं इन्होंने इंग्लिश की क्लास नहीं देखी इसलिए आज के आज पता चल रहा है आपको बच्चों दो से चार ये आंसर ठीक कर लो दो से चार आना है आपको दो से चार मैम हमारा एक पोल आया क्या ये अनिल अनिल कपूर है <laughs> ये रोहित सर बहुत मजे लेते हैं यार चलो यार तुम्हारी जान की कसम साइंस की कसम खा रहा हूँ साइंस की कसम खा रहा हूँ ये स्क्रिप्टेड नहीं है जिसको अभी भी लग रहा ना स्क्रिप्टेड है, तो पहली बात तो तो वो छोड़ सकता है क्लास लेकिन ये अपनी सा, साइंस भी नहीं है अगर स्क्रिप्टेड होता तो मैं सारे आंसर सही दे रहा होता चलो ट्वेंटी सिर्फन ही ठीक है तो बाकी बफर आप नहीं 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 तो ये वाला तो मैंने गलत दिया नाइन हाँ ठीक है डन

मिसेस पामफ्रे थिंक ट्रिकी हैज ट्रिकी कौन है उनका बेटा है क्या बेटी होगी है ना व्हाट प्रॉब्लम ट्रिकी को बेटी कह रहे हैं ठीक है सर चलो चलो आगे चलो ना सर आप आंसर पे ध्यान दो मैं बच्चों पे बात कर रही हूँ मिसेस मिसेस है तो शादीशुदा है हाँ जी शादीशुदा है तो बच्चे होंगे हाँ सर बिल्कुल बच्चे होंगे अच्छा डायरिया मतलब लूज मोशन माल न्यूट्रिशन मतलब खाने की कमी होना कोई एलर्जी हो जाना है सारी बीमारियां सारी बीमारियां हो जाना इन सब में से मैम तो क्या मार रहा हूं पता नहीं मुझे मैम मिसेस ट्रिकी ओ मिसेस ट्रिकी कह रहा हूँ पीछे मत देख नहीं देख रहा मैम पहली बार बच्चों ने काफी सही आंसर दिया व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फ्री थिंक ट्रिकी हैज मैम चैप्टर का नाम भी नहीं बताओगे नहीं बताऊंगे अच्छा

सर कहना चाह रहे हैं कि बेटी को एलर्जी हो गई है मैं मेरे को सच में मतलब कुछ आइडिया की idea... ना डॉग है है <laughs> क्या है <laughs> डॉग है सर अरे मैम ओ मैम ये वाला सर्जरी वाला चैप्टर है अरे या पर एक सेकंड सर्जरी में तो मोटा हो जाता है हाँ। आंसर क्या है इसका मॉल न्यूट्रिशन। डॉक्टर हिरियोइड ने कहा था कि जो शुगर कंजम्शन है वो कम कर दो लेकिन उन्होंने थोड़ी देर के लिए रखा कम करी शुगर लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि जो ट्रिकी है वो इसीलिए इनएक्टिव है क्योंकि उसको खाने की कमी है तो वो सब कुछ खिला देती थी चॉकलेट आइसक्रीम्स तो का है, वो खिलाती थी। अच्छा। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे कुत्ते को खाने की कमी हो गई उनको ऐसा लगता था हाँ जी लेकिन हुआ ऐसा नहीं था अच्छा ओके बच्चों मिसेस पंपरे को लगता था पंपरे को एक तो नाम आंटी के खाने जैसा है कुत्ते को तो मोटा होना ही है मिसेस पंपरे को लगता था सर, पुम्परे, पुम्परे जो अच्छा बोल दो मैं मिसेस बोल देता हूँ मिसेस जी को लगता था ओके ठीक है ठीक है यार तो तो ये तो यार रीमा मैम को बुलाओ और कहो उनके आगे बताओ कि प्यार आप किससे करते करते हो हो साइंस से रीमा मैम से करते मैं पहला प्यार तो यार साइंस से करता हूँ पहला प्यार तो साइंस उसके बाद मेरे बहुत सारे प्यार है तीन चार के नाम तुम जानते हो और तुम बहुत देर से उनको कमेंट सेक्शन में लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं नोरा फतेह है। चलो How was tricky acting? Tricky कैसे एक्ट कर रहा था अब तो आपको अब तो ट्रिकी कुत्ता है, है। हाँ। ठीक है ट्रिकी <laughs> oh, तो एक डॉग है हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड डिडेंट गो फॉर वॉक्स वॉमिटिंग ऑल ऑफ दी above. उल्टी आ रही थी ये तो मुझे याद है कि वो खाना क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था अच्छा नहीं सॉरी खाता तो वो सब कुछ रहा था तभी तो मोटा हुआ था वॉक पे नहीं जाता था नहीं उसकी मालकिन उसको वॉक पे लेके जाती थी वॉमिटिंग करता था वॉमिटिंग करता था कुत्ते वॉमिटिंग करते हैं? हैं? डॉग वॉमिटिंग करते हैं बच्चों हाँ सर करते हैं मो, इतना ज्यादा मोटा हो गया था कुछ खाने नहीं था मिसेस पुम्परे फिर भी उसको जबरदस्ती खिलाती थी या तो आर, मैं मैं जाना चाहूंगा कि वो वॉक पे नहीं जाता था नहीं वॉक पे तो वो जाता था या उसकी मालकिन जबरदस्ती लेके जाती थी वो एक्ट कैसे कर रहा था क्वेश्चन सर सब अच्छा हाउ वाज ट्रिकी एक्टिंग कैसे एक्ट कर रहा था वो? अच्छा कैसे एक्ट कर रहा था मतलब मैम क्यों आया था वो एक्ट कैसे कर रहा था असर एक्सप्लेनेशन और इससे ज्यादा दूंगी तो हिंट आ जाएगा फिर आप मैं मेरे को आ गया आ वैसे हिंट रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड डिडंट गो फॉर वॉक्स वोमिटिंग कुत्ते वोमिटिंग करते हैं क्या अपना खाना खाना लिख रहा जस्टिस पॉटरी की आपने बेटी बोल दिया उसको सॉरी यार बच्चों मुझे नहीं पता था अब लेकिन पता है कि ट्रिकी कुत्ता है सॉरी हाँ। डॉग है यार मैम ये फीमेल डॉग था क्या था ये नहीं पता मैम ऑल ऑफ ऐसा क्यूं? क्यूं ऐसा क्यों मैम क्योंकि अगर है कि वो कैसे एक्ट कर रहा था जहां तक मुझे आप बताना अगर मैं गलत कह रहा हूं तो हाँ। पहले तो वो बहुत खाता था हाँ। फिर डॉक्टर ने उसको कहा था कि इसका खाना बंद कर दो जो आपने मुझे बताया पर उसको वो भी खिलाती रहती थी

बच्चों क्या कर रहे यार मेरी बात सुनो मैं आपको बताता हूँ मुझे ऐसा तो मुझे याद आ गया मिस आंटी जी ने अपने वो जो उनका वेट थे उनको कॉल किया था पहले तो वो एक बार उनको सैर करते हुए मिले थे बाहर है ना सैर करते हुए बाहर मिले थे और उसके बाद बाद में उन्होंने उनको फोन करके बोला था कि मेरा कुत्ता कुछ खा नहीं रहा है तो अंकल जी ने बोला था कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी पर उन्होंने की नहीं थी नहीं की थी बच्चे क्या बात कर रहे हो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था उन्होंने दो दिन क्या करा तो उसे इनफ ऑफ वाटर दिया था और खाने को कुछ नहीं दिया था चलो मैम ये देखो मैम रोहित सर ने किसी बच्चे का कमेंट पिन किया है रोहित सर पिन फॉर फ्यूचर फ्यूचर सर फुल नाइट लाइव कब लोगे फ्यूचर बेटा जल्दी लाइव आने वाले है पूरी रात पूरी रात क्लासेस चलेंगे आपको इसकी टेंशन मत लो इंग्लिश के टाइम पे इंग्लिश की क्लास चलेंगी साइंस के टाइम पे साइंस की क्लास गई और मैथ्स के टाइम पे मैथ्स के चलेंगे तो सबकी लाइव क्लास चलेंगे इसकी टेंशन आप। चलो। तो, स्कोर तो शायद लगता है मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ मुझे तो लग रहा है की आप जीत गए हो है ना मुझे भी लग रहा है ग्रामर लेकर आऊँ तो शायद इग्नोर ट्रिकिंग ट्रिकी को बाकी डॉग्स क्यों इग्नोर कर रहे थे ही वॉज अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट ही वॉज इल ही वॉज मैम ऑब्वियसली बात है बीमार था बेचारा सर बच्चों को तो देने दो आंसर अच्छा ठीक है हाँ बताओ इल है या अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा था उन्हें बोलो चेंज कर सकता हूँ मैं नहीं सर हैं? नहीं सर एक बार आंसर दे दिया आपने फटाफट <laughs> से बोलो मैं सर मैं आपके बच्चे कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और कह रहे हो <laughs> मैम गलत है क्या अरे सर थोड़ा बहुत तो मुझे भी जीतना है सर यार मैं अपने भावना में बहुत जल्दी बह गया क्या ही वॉज फ्यूरियस नहीं ये तो गलत है और ऑफ दी वर्ब नहीं है नहीं नहीं मैम बी आंसर है मैडम सर was... डॉग्स को क्या लगता था उन्हें वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एक कीवर्ड था हमारे चैप्टर का अच्छा हाँ. तो जो राइटर ने लिखा था कि बाकी डॉग्स को वो एक अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लग रहा था तो ये कीवर्ड पे डिपेंडेंट है है ये होता चैप्टर रीडिंग का फायदा 59% 59% बच्चों ने सही वेरी गुड यार बहुत कम है मतलब सर मैम हिसाब से तो वैसे सर क्योंकि ये चैप्टर रीडिंग नहीं करते हैं हाँ, ये बात इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रीडिंग और कीवर्ड्स लिखना बहुत जरूरी है अब सर

सर करेक्ट आंसर मत बताओ आंसर सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट सिल्की सिल्की तो नहीं था हो भी सकता है कुत्ते सिल्की भी हो सकते हैं शागी शागी मतलब ढीला ढाला क्या कहते हैं मैडम सोचो 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 सर सोचो सोचो दिमाग पे जोर डालो सर मैम पोल हो गया हाँ जी सर हो गया शागी मतलब ढीला ढाला बच्चों बच्चों क्या कहते हो टी आर आई सी के, आए। मेरा ट्रिकी भी कह रहा है, बीपे कर दो। और मेरा मन भी कह ने आंसर सही दिया है वो मतलब मेरे वाला दिया है क्या कहते मैडम करेक्ट, करेक्ट मैंने कहा था बच्चों में चौबीस बिल्कुल सही करके दिखाऊंगा बच्चों अच्छा देखा मैंने क्या चलाकी करी है मैं मेरे चलाकी सही करी ना आप हुई दोनों सही बात नहीं हुई। हाँ, ये दोनों मतलब से पहले उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता अल्टीमेटली ये होगा ये रोहित सर बड़े चलाक है ये रोहित सर वही कमेंट पिन करता है जिसमे उनका नाम होता है एक ने कहा रोहित सर को बोला और सर ने कमेंट पिन कर दिया रोहित सर दूसरे ऑफिस में है वहां से बैठ के पोल कर रहे हैं हम दूसरे ऑफिस में हम अलग जगह से बैठ के क्लास ले रहे हैं रोहित सर नहीं आ सकते रोहित सर को हम बहुत जल्द बुलाएंगे अगले सेशन में रोहित सर क्या कहते हैं तो आओगे कि नहीं आओगे अच्छा वो जो गेमिंग वाला बंदा था उसने वो डिलीट कर दिया या साइंस एंड फन ने डिलीट कर दिया ये क्या हो रहा है क्या हुआ साइंस एंड फन ने ये जो कमेंट पिन किया था वही डिलीट कर दिया ये क्या कर रहा है सर ये क्या चाल है चलो आओ मैम करो आगे चलो सर ट्वेंटी फिफ्थ हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस मिसेजरे लविंग ओवर डूइंग इंटेलिजेंट या रैशनल नो इंटेलिजेंट तो बिल्कुल मैम ओवर का मतलब कुछ ज्यादा ही करने वाली यस yes, सर तो वो कुछ ज्यादा ही करती थी सर लेकिन लविंग नहीं हो सकता सर प्यार मैम प्यार में इंसान अंधा हो जाता है सर नफरत में भी अंधा हो जाता है मैम क्या बात बोलिए <laughs> क्या बात बोलिए मैम ने बच्चों आज तक में मतलब प्यार में लोग अंधे होते हैं बिल्कुल सही बात है नफरत में भी अंधे होते हैं नफरत में ज्यादा हो जाते हैं नफरत में नहीं हो जाते बदला लेने के लिए कुछ भी कर लेंगे बहुत गहरी बात बोल दिया आपने आज <laughs> रैशनल मतलब न्यूट्रल सर सोचो आप मतलब ही इज रैशनल मैन मतलब न्यूट्रल डी तो नहीं है लविंग तो वो थी कुत्ते से बहुत प्यार तो करती थी ओवर डूइंग मतलब कुछ भी ज्यादा करना है ना मैम कुछ भी ज्यादा करना पर वो तो सिर्फ कुत्ते को प्यार ज्यादा करती थी ना पर एक बात बताता हूँ मैं मेरा मेरी मेरी स... इंसानों को पढ़ने की क्षमता कहती है कि जब मैंने बोला ओवरडूइंग तो आपने बोला लविंग भी तो हो सकता है हाँ। इसमें तो लविंग आंसर नहीं है बी आंसर है मैम पक्का सर पक्का पक्का सर पक्का पक्का अभी भी देख लो सर मैं पक्का दे रही पक्का मैम 75 परसेंट बच्चों ने मेरे अबे रोहित सर का चेहरा रिवील हो चुका है सेंटा क्लॉस वाले कैप पहन के आए थे वो जो हमारे 100 के हुए थे 75 परसेंट बच्चे आंसर मेरे साथ दे चुके हैं और रोहित सर ने एक कमेंट पिन किया है और वो कमेंट क्या है रोहित सर इज वेरी वीक इन स्टडीज़ अभी भी पढ़ लो नहीं तो पोल डालते रह जाओगे <laughs> अरे भाई साहब रोहित सर ओपी भाई रोहित सर ओपी कर दो कमेंट सेक्शन में रोहित सर कह रहे हैं वो भी पढ़ाई में कमजोर थे अब उनको पोल डालने की नौकरी मिली हुई है अगर आप सब नहीं पढ़ोगे तो आप भी पोल डालते रह जाओगे रोहित सर ओपी होना चाहिए <laughs> रोहित सर ओपी रोहित सर ओपी रोहित सर ओपी, ओपी ये तो मैं भी लिखता हूं यार ये तो मैं भी लिखता हूं ये रुक जाओ ये तो मैं कमेंट करता हूँ रोहित सर, सर मैं कमेंट कर रहा हूं रुक जाओ रोहित सर ओपी ये मैंने कर दिया भाई ये बात बहुत बढ़िया कह रहे <laughs> कह रहे पढ़ लो वरना मेरी तरह बोल बनाते रह जाओगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया <laughs> चलो इस मैं बहुत आगे जा चुके हैं मुझे लग रहा मैम अब सफर बड़ा दूर हो गया है अच्छा देयर इज नोट स्पेस फॉर अदर्स इनफ मैनी देर इज नॉट इनफ स्पेस ओ माई गॉड मैम एक बार किसी ने मुझे डीएम पे बोला था देर इज नॉट इनफ स्पेस फॉर यू इन माई हार्ट सर सोचो ना लेकिन वो तो उसने बोला था गलत भी हो सकता गलत भी हो सकता है सर उसने मुझे कहा था कि मेरे दिल में तेरे लिए जगह नहीं और मैम किसे <laughs> <को> बुला <laughs> <laughs> बच्चा <laughs> <माम... laughs> री... बुलाने की जरूरत नहीं है देर इज नॉट इनफ स्पेस मैम मुझे याद है ये, ये वो बात में कभी नहीं भूल सकता बच्चों जब उसने मुझे मैम ब्लैक कलर लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे शब्द ऐसे चीजें काले अक्षरों से मार्क करनी चाहिए

सही है स्पेस क्या है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं hmm. और नॉट है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है अच्छा यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो सम नहीं आ सकता हाँ जी पॉजिटिविटी अच्छा, को दिखाते oh, अच्छा ठीक है बच्चों नई बात सीखी मैंने आज वेरी गुड थ्री क्या हो गया ट्वेंटी फाइव सिक्स

यार फटाफट से शेयर कर दो यार सब में सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो और फटाफट से आ जाओ क्योंकि अभी भी ट्वेंटी क्वेश्चन बचे हैं ठीक है और बच्चों यार देखो तुम्हारा भाई इतना अच्छा खेल रहा है तुम्हारा भाई एस एस टी भी जानता है तुम्हारा भाई मैथ्स भी जानता है तुम्हारा भाई इंग्लिश भी जानता है उसी के लिए लाइक कर दो बच्चों जल्दी जल्दी शाबाश चलो बहुत बढ़िया रोहित सर के लिए चलो ऐसा करो आशु के लिए मत करो रूबेना मैम के लिए मत करो रुबेना सॉरी लेकिन रोहित सर के लिए लाइक कर दो आज देखते हैं रोहित सर से कितना प्यार करता है से आपको <laughs> हाँ। <laughs> चलो <laughs> चलो मैम चल, आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी सिंपल इंग्लिश हम यूज करते हैं डिटर्मिन पर है वन मार्क का आता है एग्जाम में इज देयर संबडी इज देयर सम्बन इज देयर सम्बडी इज ए तो नहीं आंसर ए तो काट दो एवरीबडी भी काट दो

<laughs> सही है। is there someone था। मैं, 62 ने दिया बस मै यही कह रहा हूँ ये आंसर तो मुझे लगा, 70, होना था सर क्यूँकी उन्होंने डिटर्मिनेट का देखा ही नहीं मैम देखता है की बी आंसर कितनों ने दिया बिकॉज वही तो कन्फ्यूजन है अरे पोल कांग शायद बी भी बहुत सारे बच्चों ने अच्छा, दिया होगा और बताओ पूरे बी बच्चे भी, भी शायद बी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया होगा मैम ट्वेंटी बच्चे मान लेते हैं चलो अच्छ। ट्वेंटी वन अच्छा अच्छा पूरे ही लिख रही थी ट्वेंटी <laughs> वो कह रहे थे गलत है ट्वेंटी वन सिक्स जस्टिस फॉर रोहित सर अबे हमने क्या कर दिया चलो मैम अगला सवाल एक सेकंड में मैं थोड़ा कमेंट पे पढ़ूं कमेंट पे आज क्या हो रहा है मेरी को तारीफ कर भी रहा है कि नहीं इतनी मेहनत से खेल रहा हूँ यहाँ सर की फोटो ढालूंगी सर ना पता क्या कर रहे <laughs> <laughs> चलो, चलो अगला अगला ट्वेंटी एट डैश ताब्दी एक्सप्रेस विल अराइव एट एट ओ क्लॉक ए एनीट मैम शताब्दी एक्सप्रेस तो एक यूनिक नाउन है

आए हैं मैडम दो से चार रोज जाती हैं लाइव धमाकेदार इंग्लिश पढ़ाती हैं। और बच्चों इसी के साथ वो बहुत जल्द साढ़े नौ वाले टाइम स्लॉट पे भी आने वाली हैं टेंथ क्लास का सत्ताईस तारीख को पेपर है जहां तक हमें लग रहा है इक्कीस बाईस तारीख के आसपास से तावर तोड़ रात को भी क्लास चला करेगी आपकी तो इसलिए आपको घंटी वंटी बजा लेनी है चैनल की ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी क्लास बेहतर बहुत अच्छे इंग्लिश के लेक्चर मिस ना कर दो अब सर अगले पे चलें हाँ जी मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी सर बिल्कुल मैं। <laughs> 29 इट इज डैश हलोम ऑफ द मतलब यहां पर हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल हाँ, valuable object, because meaning नहीं पता हो सकता, तो यहाँ पे मैं meaning बता देती पर ना बच्चों को आएगा मैम मैम इसको कैसे किया आपने? Harloom. Harloom. H -silent हो e -U -H. आपने होगा, मुझे आंसर दे दिया आपने H -silent बोल के मेरे को आंसर दे दिया, क्योंकि अगर एच साइलेंट हो गया uh. तो अब ये वोबल का साउंड हो गया

बच्चों सिर्फ एन उनके आगे नहीं आ, ये एन उनके आगे बच्चों सिर्फ नहीं आता है जो वॉवल से शुरू हो रहे हो एन उनके आगे आता है जिनकी साउंड वॉवल से स्टार्ट हो रही हो और मैम ने मुझे हिंट दे दिया है कि यहां पे एच जो है वो एक साइलेंट है इसका मतलब ये है कि ये वॉवल से शुरू हो रहा है मैडम मेरा आंसर है एन सर मैं मेरी गलती है मैंने आपको हिंट दे दिया है बस यही बात है मैडम मुझे आप हिंट मत दो मैं बहुत चलाक आदमी हूँ आप मुझे हिंट मत दो बस मैम मुझे नहीं पता मैं मैं जीत जाऊंगा बस आज मुझे इतना पता है मैम ये देखो एक बच्चे ने लिखा है एक क्विज होनी चाहिए रोहित सर वर्सेस रॉकी भाई और रोहित सर ने उसको पिन कर दिया है रोहित सर आप मुझे बताओ रोहित सर सब्जेक्ट के साथ कौन सा आप मुझे बताओ हमारा क्विज कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए मैं तो साइंस पढ़ाऊंगा आपको बता बच्चो रोहित सर बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ाते हैं रोहित सर को बहुत अच्छे संस्कृत जिस जिसको संस्कृत के लेक्चर चाहिए बताइए सर बहुत अच्छा हे लते हे लते करते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा हम संस्कृत के लेक्चर रोहित सर से लगवाएंगे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कितने बच्चे चाहते हैं संस्कृत के लेक्चर <laughs> रोहित सर वर्सेज आशीष सर अगला पोल लग गया मैम अगला पोल लग गया इन डैश आर बच्चों का आंसर दें मैम एक सेकेंड ही विल बी देर इन टू आर भी हो सकता है एन आर भी हो सकता है मैम इस, इसके आंसर दोनों हो सकते हैं मेरे हिसाब से He will be there in two hours. अच्छा ओ सॉरी टू नहीं हो सकता क्योंकि आर्स नहीं है मैम सही पकड़ा हूं मैं सर अब आप बोलना क्या चाह रहे हो पहले <laughs> मैं मैंने सही पकड़ा है ना क्योंकि अगर वहां पे आर्स होता अगर वहां पे आर्स होता तो यहाँ पे टू होता अगर वहां पे आर होता तो यहाँ पे टू होता बट वहाँ पे आर है और अगर आर है तो फिर एन होगा अगेन बच्चों पे होता है और वोवल की आ रही है मैडम तो इसके हिसाब से एन आर। ये ये तो सबको पता होगी ये जो गलत बहुत सिंपल है लेकिन है सेवन है बच्चों ने इसका आंसर दिया मान के चलूंगा और ये बहुत सही आंसर है नहीं? मतलब ठीक है और ये बहुत सिंपल भी है यार है ना हा, हाँ 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 चलो संस्कृत पढ़वाएंगे पक्का पढ़वाएंगे हे लते हे लते हे लते कुकर ये सब पढ़वाएंगे बच्चों Which animal is referring to when she says a noble wild beast greets you? Asian lion, Bengal tiger, leopard, या बिया? ये क्या बात है? Which? अब ये एक पोम में से है. पोम का नाम मैं नहीं बताऊंगी. आप बताओ. मैं बताऊं का नाम how to tell wild animals सही कह रहा हूँ सही है सर मैं, मैं सर, अच्छा 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 ठीक है अच्छा हो जाएगा सर पर मेरी नौकरी ले, ले लेंगे सर कहेंगे मैं इंग्लिश के लेक्चर नहीं ला, नहीं ला, नहीं, नहीं। मैम ये <laughs> बहुत मैम मैं, मैं शायद एक दो दो साल हो गया मुझे इंग्लिश पढ़ाए हुए मैं पढ़ाता था लिटरेचर मुझे थोड़ी बहुत अभी भी याद है पता अगर आप मुझे पोएम ना बोलते ना हाँ। तो मैं ना पता पाता मुझे पूरी पोए होगी ना तो को वो, वो वो है, पोयम थोड़ी नहीं याद है, आपको तो याद थोड़ी नहीं याद है। वो तो थोड़ा हल्का हल्का याद आ रहा है चलो सर, हलके, हलके पर नहीं इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा बिकॉज वाइल्ड बीस्ट यू अब बीस्ट जो है वो तो लायन के लिए भी हो सकता है टाइगर के लिए भी लेपर्ड के लिए भी बियर के लिए भी हो सकता है मैं भी इसका आंसर नहीं बता मुझे Sir, बच्चे दे रहे हैं हैं दे दे रहे देखना कितना परसेंट सही दे दिया? Sir, 50, सही दिया? दिया। सर 50, 50, 50 49 व्हिच एनिमल इज शी रेफरिंग टू व्हेन शी अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू बीस्ट बीस्ट लायन बीस्ट होता है एक। टाइगर भी बीस्ट हो सकता है लेपर भी हो सकता है बियर भी हो सकता है मैम पता नहीं मैं तो कई मार रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं बी आंसर, में सही आंसर दे दिया। भी सही है, बंगाल टाइगर क्या बात कर रहे मैडम नहीं ऐसा नहीं हो सकता बच्चों हाँ मतलब अगर मैं, <laughs> अगर मैं इंग्लिश के पेपर में जाऊं बैठ के तो मैं तो मैं तो बहुत ज्यादा नंबर ले आऊंगा सर आपके 98 हैं है। मैम क्या, <laughs> <laughs> क्या बात कर रहे मैम माय oh मैम कोई पेपर दूंगी मैं और सर के नंबर दे के ना जरूर अपलोड करने वाले बच्चों हाँ ऐसा करेंगे इंग्लिश का पेपर पहले मैं भी सॉल्व करूंगा बच्चों पर मैं मैं वो नहीं लिख पाऊंगा ना लिटरेचर के आंसर ये तो एमसीक्यू की बात हो रही है ना हाँ जी, हाँ जी वैसे ही लिख पाऊंगा मैं नहीं 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 मैम आप ले लो जितने बच्चों से बात करता आपको कॉल लेना ले लो बच्चों मुझे एक बात बताओ आपको क्या लगता है मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर मेरे को ये 80 नंबर का पेपर मिलता है तो मेरे कितने नंबर आएंगे और प्लीज बेजती मत करना भाई की जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर मेरे को अच्छा सौ नंबर का पेपर होता है सॉरी मेरे को लगा था साइंस की तरह ये भी एट्टी मार्क्स का होता है अच्छा हंड्रेड मार्क्स का होता है इंग्लिश हंड्रेड मार्क्स का आता है एट्टी का ही आता है अच्छा तो कितने आएंगे बच्चों जल्दी बताओ कितने आएंगे अबे यार कह रहा थर्टी फोर एक बच्चा कह रहा थर्टी एक बच्चा कह रहे एवेंटी एट्टी पेपर कितने मार्क्स का आया था बताओ फिटाफट से <coughs> मेरे हिसाब फिफ्टी हाँ मुझे भी लगता है पचास प्लस तो मैं ले आऊंगा यार थोड़ा बहुत तो लिटरेचर में लिखी दूंगा सर बच्चे कह रहे एट्टी लेकर आओगे आप मैं पचास प्लस तो पक्का लेके आऊंगा इतना तो पता है मुझे एक एक्टिविटी करें सर आपको मैं क्वेश्चन पेपर दूं ऐसा करता बोर्ड वाला पेपर सॉल्व करवाते हैं हाँ मेरे से हाँ सर बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे क्या कहते हैं बच्चों बोर्ड का पेपर मैं अच्छा मैं वैसे करता है रोहित सर बहुत बोल रहे करोहित सर, हाँ, सर, से, सर से लाइव वीडियो में आपके सामने सोल्व करेंगे हम आंसर शील लाइव पेपर सोल्व करेंगे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं मैम विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन द्ड एशियन लाइन बेंगाल टाइगर यार मतलब घर का वो हाँ जी कोई नहीं मिलता इसमें से मैडम सोचो, सोचो। मैम कोई घर के ये घर के बरामदे में मैम दुबई साइड पे ये मिल जाते हैं टाइगर थर्टी सोचो, सोचो, टू हाँ आ गया फूल जल्दी फूल लगा दो घर के वरांदे में घूमते वक्त कौन सा जानवर आपको मिल सकता है एशियन लाइन क्यों मिलेगा भाई

मैम तो कै मारना पड़ेगा मैम घर में भालू 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 कैसे मिलेगा मैम नहीं पता मैम मैम भालू कर रहा हूँ झूठ बोल रहे थे हमारे आगे सर ने झूठ बोला मुझे नहीं पता करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर ये सर सीखोगे इंग्लिश के पेपर में बिना बड़े मार्क्स कैसे <laughs> एक सेकंड मेरा भालू सही है मैम आपको मैम एक मैम वैसे मैं ऊपर वाले का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि ऊपर वाले की मेरे पे रहम है आज मैं मैं जुआ खेल रहा था लाखों करोड़ों रुपए घर लेके आता मैं सर करोड़पति आज बच्चों अगर मैं जुआ खेल रहा होता तो मैं अरे यार स्कोर बताओ फटाफट से आप ही बताओ कि देख रहे हो मैम बच्चे कह रहे हैं बियर सही कह रहे सर, उसमें सिर्फ बियर लिखा हुआ है अच्छा चैप्टर में हां तो ना वाइट ब्लैक में आप कोई असम्पशन क्यों नहीं कर सकते हैं क्या रहा है भोजपुरी वर्सेस साइंस रोहित सर से भोजपुरी गानों पे डांस करवाना है हमसे गाने गवाना है ये बताओ चलो मैम अगला सवाल ठीक है अगला चलते हैं सर स्कोर कितना हो गया था मैम स्कोर तो मैम छोड़ ही दो अब आप स्कोर रहन दो मैम आप सर हां मैम नंबर धीरे-धीरे बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा मैडम

उसमें वो जंगल में चला जाता है और उस जंगल में उसमें भालू हमला कर देता है तो भालू उस पर हमला तो करता है लेकिन उसको जकड़ लेता है तो वो एक्टर ना ऐसे मरने की एक्टिंग करता है कि मैं मर गया तो भालू उसको छोड़ देता है है? क्या 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 चाहते क्या आप इसमें आंसर बच्चों एक बार किसी को मूवी का नाम याद आ रहा तो बताना वो उस बंदे की मूवी है लिनार्डो कैप्रियो क्या नाम है उनका जिस तो बताना मुझे मैं पीछे नहीं मुड़ रहा इनको ऑस्कर मिले थे बच्चों द 90% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया सर मैम मुझे भी आता है इसका आंसर हाउ डज अ बेयर किल यू मैम हग करके करता है वो आपको सर आदि मैम वो हग करके करता है सही है सर शांत सही बच्चों मूवी का नाम याद आ द रेवेनेंट यस द रेवेनेंट एग्जैक्टली मैम अब आप आपको ना मेरी ऑब्जर्वेशन की दांत देनी होगी मैंने मूवी देखी थी और मुझे भालू कैसे मारता मेरे को याद है सर इंस्पिरेशन दे रहे अब मैं कल से ना सारी मूवीज देखा कह रहे <laughs> जंगल बुक अबे जंगल बुक नहीं द रेबिनेंट एक बच्चे ने बहुत सारे बच्चों ने जुमान जी भी नहीं द रेबिनेट यस एक बच्चा कह रहा था शक्तिमान <laughs> शक्तिमान ओ oh माय गॉड एक बच्चा कह रहा नौरा फतेह की कोई मूवी होगी <laughs> की <laughs> नहीं द रेवेनेंट बिल्कुल सही बात है द रेवेनेंट मूवी का नाम था यस 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 चलिए आगे बढ़ते हैं तरह बोल्ड की हु स्माइल बाय व्हाइल कैचिंग देयर प्रे हाइना क्रोकोडाइल बोथ ऑफ देम या नन ऑफ अब क्रोकोडाइल तो रोता है मैम उसके मगरमच्छ के आंसू होते हैं सर लेकिन मेरे सच्चे वाले आंसू <laughs> निकलेंगे <laughs> <laughs> क्रोकोडाइल मैम अब आप देखो फिर एक बात बताऊं

क्रोकोडाइल मैं यहाँ पे बना देता छिपकली या कुछ ऐसा और यहाँ पे कुछ बनाया था बियर तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता अभी तो ये मुझे लग रहा है 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 इसका आंसर बिकॉज हाँ क्रोकोडाइल जो होता है, वो बंदा रोता है उस वो मगरमच्छ के आंसू रोता है वो नकली वो नकली आंसू रोता है मैम हाइना आपने क्या बोला वो नकली आंसू रोता है उस वो रो नहीं रहा होता है लेकिन वो बस उसके आंख से पानी निकल रहा होता है हाइना के नहीं नहीं क्रोकोडाइल के और हाइना क्या

वही हो गया वही हो गया ने सही क्या बात से? लेकिन आंसर नहीं आता है तो भी आप अपने सही आंसर तक पहुँच सकते हमेशा हर चीज में एलिमिनेशन मेथड लगा रहे यहाँ देखो इंग्लिश में भी मैथ्स का यूज हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल में भी मैंने ज्यादातर यही किया था एस एस टी की क्विज में भी मैंने यही किया था चलो भाई चलते हैं और हारने के आगे। मैम आप क्वेश्चन लाए हो ना? ठीक लिए। है नेम मैम लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक डिवाइसेस ही इसमें से आपको बताना है एलिट्रेशन और मैंने ना एक चीज सर आपको नहीं बच्चों को बोला था कि चार पोइटिक डिवाइसेस टेंथ के लेवल पर याद रखना सिमिली मेटाफर और और बस मैंने चार बोला अच्छा नहीं हाँ तो चार आ, याद रखना और उन्हीं में से एक है मैम एक सिमिली मेटाफर परसोनिफिकेशन ये तीन तो नहीं है इसमें नहीं है और चौथा चौथा सर को भी नहीं पता है और चौथे में आप ये देख लीजिए कि दो ऑप्शन आ सकते हैं सोच आराम से सोचो अगर पोइटिक डिवाइसेस करिए एलिट्रेशन का मतलब वो होता है ना वर्ड रिपीट होना चंदू के चाचा चंदू की चाची वो हमारा रिपीटेशन होता है सर जब हम वर्ड्स को रिपीट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो बारी आशु आशु लिख दिया या रिमरीम लिख दिया अच्छा अगर मैं ऐसे लिखता हूं ब्लू ब्लड बैड ब्लड तो इसमें बी भी रिपीट हो रहा है तो इलिट्रेशन होता है हा, हा, हाँ जी सर आप हाँ क्यों बोल रहे हो मैम आप हाँ क्यों बोल रहे हो मैम आप मुझे आंसर क्यों दे रहे हो इसमें ढीत नहीं है फिर आंसर मैं मुझे नहीं बता इसका आंसर तो क्या मारना पड़ेगा मैंने ये वर्ड कभी सुना नहीं है इन्वर्जन हमारी हमारी केमिस्ट्री में होता है उल्टा कर देना रिएक्शन में रिएक्टेंट की जगह पे कोई और आ जाए ही हैजेंट एनी ईयर एट ऑल पता नहीं मैडम तो कई है उसके कोई कान नहीं थे ये क्या बात है सर आप बहुत ही लास्ट तक थे लेकिन आपने आंसर क्या दिया बोलो इन्वर्जन एसोनेंस मैम कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है 57% 1 मार्क का क्वेश्चन पोएटिक डिवाइसेस ले लेता है आपके सिलेबस में 57% बच्चों ने सही आंसर दिया है अच्छा मैम मेरे हिसाब तो कम आ रहा हूँ मैम ठीक है मैम इनवर्जेंट तो क्या है मुझे नहीं पता कोई आइडिया सर यहाँ पर ना अगर आप देखते एच और एच अच्छा आपने खुद लिखा था और आपने फिर खुद ही गलत कर दिया अच्छा दो में भी हो जाता है हाँ जी सर अच्छा मुझे था बहुत सारे होने चाहिए नहीं 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 एच एच और एच की ही साउंड आ रही है और हाँ। H ही स्टार्ट हो रहा है अच्छा ठीक है ठीक है और साउंड बेस्ड होता है ये की आनी चाहिए समझ गया मैम गोरी मैम कोई बच्चा नहीं बता गोरी, गोरी बाकी छोड़ था नहीं। क्या कुछ एग्जांपल दे रहा होगा सर आपको ले जाएंगे पेपर वाले दिन <laughs> okay, कुछ तो स्कोर कुछ तो सही कह रहे मैम थर्टी सिक्स मैम ये देखो मैम मैम इनका टम तम, टम तम, टमाटर खाए हम अंग्रेज का बच्चा क्या जाने अंग्रेजी जाने हम रोहित सर ने लिखा है वाह सर वाह <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके यू डैश ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स ऑफ योर वेयर अबाउट आपको अपने पेरेंट्स को हमेशा मैं वेयर अबाउट मतलब सोचो सर अभी आपको अपने पेरेंट्स को हमेशा इन्फॉर्म करना चाहिए हाँ जी चाहिए मतलब एक एडवाइस एडवाइस में शुड आता है सर सोचो वुड कुड में नहीं आ सकता यू शुड ऑलवेज यू शुड ऑलवेज ऑबे यू शुड ऑलवेज यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट यू शुड ऑलवेज इन्फॉर्म नहीं हो सकता कुड भी नहीं सकता यू में भी नहीं हो सकता यू शुड ऑलवेज मैम मैम यू शुड ऑलवेज मैम यस हाँ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है मैम मैम रिकॉर्ड बन गया नाइन्टी फाइव मैम आज तक मैम आज तक किसी ने पोल पे आंसर नाइन्टी फाइव परसेंट और अभी नाइनटी सिक्स भी क्या था मैम ये अब आज तक किसी भी पोल पे आंसर 95 परसेंट मैंने 96 सिक्स देखा था नहीं गया है और इसका मतलब यह है कि फाइनली आप सब ने रिकॉर्ड बना दिया इसका मतलब सबेंट जनता ऐसी है जो पढ़ने नहीं आई लेकिन बाकी सारी जनता जो है वो पढ़ने आई और उसने शूट आंसर दे दिया आप लोगों ने रिकॉर्ड चाहिए मतलब इसका हिंदी वर्जन भी मैंने बताया था इसका मतलब होता है चाहिए हमेशा hmm. चाहिए मैंने बताया था मैम चाहिए सही है मैम बच्चों चार क्वेश्चन रह गए हैं Don't you dash lie to me. ये कहती है आपको? मैं, मैं तो पर इतने प्यार से नहीं don't you dare, बोलती है. ऐसे बोलती वो मेरे मेरे को. को आपने का नाम ले दिया ना, तो मेरे को इसका पर चल गया. मैम आपको रीमा मैम का नाम नहीं लेना चाहिए था डोंट यू डेयर डोंट यू डेयर टू लाइक नोरा फतेह की फोटो ऐसे तो बोलती है डोंट यू डेयर लाइक like की फोटो यार नौरा को लेकर मैम 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 बहुत बहुत जल्द <laughs> है। बहुत जल्द किसी ने ना एक बार मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जिस चीज को आप रोजमर्रा के जीवन में बोलते रहते हो ना वो बहुत जल्द पूरा होता है तो मैं हर दिन हर वक्त क्लास में बोलता रहता हूँ तो पूरा होगा बच्चों और जिस दिन पूरा हो गया बच्चों ये

और बच्चों आखिरी के तीन सवाल आखिरी के तीन सवाल भी तुम्हारा आशु भाई सही देगा देखना पक्का ओके सर यू डैश विजिट दिफोर कैन कुड मस्ट माइट मैं तो शुड सोच रहा था यहाँ तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए तुम्हारी कंडीशन खराब हो जाए। चाहिए तो ना लेकिन है ही नहीं यू कैन भी नहीं होगा यू कुड भी नहीं होगा यू मस्ट विजिट द डॉक्टर

सर ने बोला बिल्कुल सही है लेकिन मस्त का मतलब क्या होता है जब हमारे कम्पल्शन है डॉक्टर अच्छा। के आपको जाना ही जाना है तो तब हम मस्ट का तो मस्ट नहीं है। सही, है। सही, है, सही है ना हाँ मैं समझ गया समझ गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है लेकिन फिट हो गया क्वेश्चन और मैं हारती हुई नजर आती हुई <laughs> चला सर बच्चे कह रहे हैं सर बहुत चालाक है <laughs> <laughs> बच्चों ये बहुत चा... चलाक है ब्रो सच में बहुत चलाक है बच्चों इस चलाकी नहीं पांच मिलियन और हंड्रेड के सब्सक्राइबर तो आप लोगों का प्यार दिया बच्चों चलाकी जरूरी है थोड़ी बहुत जीवन में यू डैश बी इनफॉर्म्ड अबाउट द रिजल्ट सून माइट विल ऑटो या कैन तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट के बारे में जल्द ही बता दिया जाएगा तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट के बारे में जल्द ही बता दिया जाए नहीं मैम नहीं, नहीं 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 मैम तुम्हें अपने रिजल्ट के बारे में जल्द ही बता दिया जाएगा गा गे गी मैम गा गे गी इस फ्यूचर मैम मैं देख मैम गा गे मैम गा गे गी इस फ्यूचर एंड फ्यूचर इज विल यू विल भी एक सेकेंड मैम एक सेकेंड यू विल बी इन्फॉर्म्ड यू माइट बी इन्फॉर्मड यू ऑट ऑट टू टू तो तो नहीं ought to तो वो आता है मॉरल ड्यूटीज के लिए यू कैन बी नहीं मैम विल मैम विल पक्का सर मैम जी पक्का सर देखो पोल में सेवन सिक्स मैम मैम सेवेंटी सिक्स मैम लेकर मैम और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी थी इस सर ने बिल्कुल करेक्ट वो एक्सप्लेनेशन दिया है और आखिरी सवाल बच्चों अंत भला तो सब भला बच्चों उंसमेंट इन टेटेड क्या मुझे अनाउंसमेंट करनी चाहिए छोड़ भी आ सकता है विल आई मेक क्या मैं एक अनाउंसमेंट करूंगी नहीं कुछ मुझे लग रहा है शेल आई मेक मैम इसका आंसर नहीं बदल रहा मुझे शेल आई मेक एन अनाउंसमेंट

अच्छा यहां तो आप यहाँ पर थ्रेट दे रहे हो ठीक है अच्छा तो फिर विल आता है, आता है। लेकिन वो यहाँ पे ये नॉर्मल था ना प्रॉमिस कर रहे हो ना किसी को थ्रेट दे रहे हो नॉर्मल तो, तो शेल आ गया, शेल आ गया।, शेल आ गया। और बच्चों इसी के साथ इसी के साथ तुम्हारा भाई आज फिर से जीतता हुआ मैम आज फिर जीत गया हूँ मैं बहुत ही भारी अंकों से जीत गया हूँ मैम और मैम इसी के साथ हमारे मैम चार हजार लाइक पार हो चुके हैं मैम हमने चार हजार बच्चों को पढ़ाया है और मैम आज हमारे व्यू हो चुके हैं मैम मैम और और बच्चों मैं दोबारा से आपको दो बड़ी-बड़ी अनाउंसमेंट करना दोबारा से जो बच्चे नए जुड़े हैं मैम दो से चार लाइव मैम रोज जाते हो आप yes, रोज जाके मैडम की लाइव क्लास लिया करो इंग्लिश सुधार लो अपनी और सेकेंडली पेपरों के दिनों में एक हफ्ता पहले मैम रात दिन सुबह शाम जब भी कुछ रिकॉर्डेड कुछ आपको लाइव लाइव तो बहुत मिलेगा ही मिलेगा और हम आपके साथ पूरी मेहनत करने वाले हैं आप लोगों के साथ हमने नोट्स प्रोवाइड करवाए और भी नोट्स आने वाले हैं बढ़िया बढ़िया क्लासेस आने वाली हैं इंग्लिश की रुबेना मैम से आप इंग्लिश पढ़िए और इंग्लिश में कोई डाउट नहीं रहेगा सच बताओ तो क्लास के सेशन से पहले दो घंटा मैंने मैडम मैंन के साथ क्लास ली थी और आप उसका दो घंटे का रिजल्ट देख सकते हैं बच्चों कितना प्यारा रिजल्ट रहा और एक और अनाउंसमेंट करना मैम बहुत बड़ी अनाउंसमेंट शायद आप भी नहीं जानते वेनेसडे को हमारा इस चैनल पे दिल थाम के बैठिएगा वे को इस चैनल पे ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन होने वाला है मैम इसका मतलब ये कि ऑफलाइन के कुछ बच्चे यहां पे आएंगे और वो ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ कंपटीशन करेंगे और हम ये देखेंगे कि सर वो कैमरे पे पे देखेंगे हम झूठ नहीं बोल रहे ऑफलाइन के बच्चे स्टूडियो में आएंगे और ऑफलाइन के कुछ अच्छे होशियार बच्चों को लाया जाएगा और वो ऑफलाइन के बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन करेंगे और देखते हैं कौन जीतते है। हमारे लिए दोनों बच्चे बराबर है ऑफलाइन ऑनलाइन हम तो चाहेंगे दोनों ही जीते टक्कर का मुकाबला हो लेकिन देखते हैं कौन जीतेगा मैम यस सर और सर आप देख रहे हो कि कंटिन्यूस थ्री थाउजेंड प्लस ही चल रहे हैं मैम मैम ये मैम ये, ये बच्चे मैं कह रहा हूँ हमारे बच्चे बहुत लॉयल हैं हमारी ऑडियंस बहुत लॉयल है हम लोग इतनी मेहनत से जब प्यार कर रहे हैं तो बच्चों का भी उतना प्यार हमें मिलेगा ही मिलेगा चीक। हाँ ठीक है चीक और चीक है। किसी को कुछ कहना है बच्चों आप लोग को मैंने दोबारा बता दिया इंग्लिश के लिए बाकी पीपीटी इसकी आपको साइंस एंड फन के ऐप पे मिल जाएगी और आज का सेशन करके बहुत अच्छा रहा और थैंक यू सर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत डर लग रहा था मैं सर को कैमरे के पीछे गिर रही सर आज मैं पहली बार आपके साथ आ रही हूँ मेरे को खुश शिवरिंग हो रही है लेकिन सर ने इतना कंफर्टेबल यहाँ पर कर दिया इतना हंसी मजाक किया थैंक यू सो मच नहीं मैम और मैम थैंक यू बच्चों को इतना अच्छा सेशन देने के लिए मुझे पक्का यकीन है बच्चों को बहुत फायदा हुआ होगा इस सेशन से ये पीपीटी आपको साइंस फन के ऐप पे मिल जाएगी मिलते हैं अगले लेक्चर में थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू